भवरी देवी कांड, नैना साहनी कांड, एमएमएस कांड, कभी डेंटेड पेंटेड, तो कभी टंच माल, तो कभी आइटम, कभी महिला को कमजोर करार कर देना, कभी ये कह देना कि संघ की महिलाओं को निकरों में देखा है, मैंने तो नहीं देखा। ऐसे तो पता नहीं कितनी टिप्पणियां हैं कांग्रेस पार्टी की कि बोलना शुरू करूंगी तो रात बीत जाएगी। एक लिस्ट और पड़ी है 6 पन्नों की, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता, विधायक, सांसद, उन सबके नाम हैं जो यौन उत्पीड़न और ऐसी घटिया बेहूदी टिप्पणियों के मामलों में लिप्त हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, आज इतनी तकलीफ क्यों हो रही है माफी मांगने में कि इफ एंड बट वाली माफी मांग रहे हैं कमलनाथ जी। दूसरी बात पूछना चाहती हूँ कि कभी आप, मतलब कांग्रेस पार्टी के नेतागण, और आपकी तो महिला अध्यक्षा है सोनिया जी, आप कभी कोई एक्शन क्यों नहीं लेती हैं? क्योंकि आपके घर में से, मतलब कांग्रेस पार्टी का कोई पुरुष बेहूदी बात करता है तो आप उसको सामान्य करार कर देते हैं कि चलता है, ऊपर बैठ के एक स्टेटमेंट दे देंगे, वी डिस्टेंस ऑर्सेल्व्स, हमारा कोई लेन देन नहीं है, लेकिन ठीक नहीं है। अरे ठीक नहीं है तो कुछ करो ना, आप लीडर किस नाम के हो या किसी काम के नहीं हो? फैक्ट ये है कि आपके घर में से 3 महिलाओं के साथ ऐसे बड़े किस्से आए हैं 1 साल के अंदर। आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता पिछले साल पार्टी छोड़ गई थी, बदसलूकी हुई थी आपकी पार्टी के पुरुष नेताओं द्वारा। कुछ दिन पहले देवरिया के अंदर किस बेरहमी से 5 पुरुषों ने मिलके एक महिला नेताओं को मारा है, किस बेरहमी से मारा है, कैसे हाथ उठा दिया, ये सामान्य बात है क्या? तीसरी बात, अभी हमारी पार्टी में आई है खुशबू जी, खुद कह रही है आई स्टैंड विंडिकेटेड, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ी थी। ये जो आपका दोहरा चरित्र है ना, कि वैसे तो हाथरस के रास्ते में घास पे लेट जाते हैं, राजस्थान के अंदर बेटी को ही गलत बता देते हैं, बेटी का ही चरित्र हनन कर देते हैं, और लड़के को, आरोपी को सही बता के कानून के खिलाफ रिहा कर देते हैं। भैया वहां की दलित बहन दलित है, लेकिन इमरती देवी बहन हमारी दलित नहीं है। ये जो आप जात की राजनीति करते हैं, महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के ऊपर आप राजनीति करते हैं, आप ये मत समझिएगा देश देख नहीं रहा। अगर आपके घर के अंदर महिला पिट सकती है, कट के तंदूर के अंदर जल सकती है, ऐसे बड़े बड़े कांड हो सकते हैं और आप कुछ नहीं करते, चुप्पी साध जाते हैं, तो आपकी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि महिला अध्यक्ष होने के बाद ये है कांग्रेस।